हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपने बचपन में इस तरह के स्टिकर जिस पर छोटा भीम, मोटू पतलू और स्पाइडरमैन जैसे पिक्चर लगे हुए होते हैं, इसको आप अपने नोटबुक पे जरूर ही लगाया होगा, जिसमें आप लोग अपने नाम, एड्रेस और रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट और कॉन्टैक्ट नंबर भी फिल करते थे। तो चलिए आज हम इसी चीज़ को बताते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर इस तरह के स्टिकर कैसे बनते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह के स्टिकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने एमएस वर्ड के अंदर एक न्यू ब्लैंक फाइल ओपन कर लेना है। न्यू ब्लैंक फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद सबसे पहले शेप्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद अब इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम सेट करेंगे। इसकी जो हाइट रहेगी, लंबाई, उसको हम 2 इंच रखेंगे। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई रहेगी उसको हम 3.5 इंच रखेंगे, 3.5 इंच। उसके बाद अब हमको इस रेक्टेंगल को एक कलर फिल करने लेना होगा। इसमें हम कलर फिल करने के लिए यहाँ पे सेव फिल के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद हमको इस वाले कलर को फिल कर लेना होगा। आपका जो भी मन करेगा उस कलर को फिल कर लीजिएगा। इसमें कलर को फिल करने के बाद अब हम इसके आउटलाइन को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। नो आउटलाइन करने के बाद अब दोस्तों हमको इसमें एक दूसरा सा शेप लाना है। उस शेप का नाम है राउंड रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद इसके बगल में ही राउंड रेक्टेंगल हमको देखने को मिल जाएगा। इसको हम सिंपली यहाँ पे आएंगे और इसके ऊपर ड्रा कर लेंगे। अब हम इस शेप के भी आउटलाइन को पहले हम हटा देते हैं, नो आउटलाइन कर देते हैं। इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई को सेट करेंगे। इसका लंबाई रहेगा 1.8 इंच और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 3.3 इंच। उसके बाद हमको दोनों को सिलेक्ट करना होगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अलाइन में आएंगे, अलाइन में सेंटर करेंगे। उसके बाद दोबारा अलाइन में जाएंगे तो हम मिडिल कर देंगे। हमारा जो राउंड रेक्टेंगल है वो हमारे सिंपल रेक्टेंगल के एकदम बीचों बीच एडजस्ट हो गया है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक टेस्ट बॉक्स मिलेगा। टेस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेंगे। टेस्ट बॉक्स को ड्रा करने के बाद यहाँ पे हम उसको सिंपली एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारा टेस्ट बॉक्स एडजस्ट हो गया है। अब इसमें हमको जो भी लिखना है, जैसे कि बायोडाटा के थ्रू नेम हो गया, एड्रेस हो गया, क्लास, रोल नंबर, इसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम नेम लिखेंगे। अब दोस्तों नेम लिखने के बाद जो हमारा डॉट डॉट है, अगर हम यहाँ पे डॉट डॉट लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। डॉट डॉट ना लिखना पड़े उसके लिए हमको यहाँ पे रूलर पे आना है, डबल टिक करना है। उसके बाद टैब स्टॉप पोजीशन को सेट करना है। यहाँ पे हम टैब स्टॉप पोजीशन को 2 कर लेते हैं। पहले हम इसको जो हमको 1 था उसको क्लियर कर लेना है, मतलब डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद यहाँ पे 2 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब हम यहाँ नेम लिखने के बाद जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारा जो डॉट डॉट था वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब हम लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद हमारा डॉट डॉट एडजस्ट होगा। अब फिर इंटर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्लास और रोल नंबर। ये हमारा क्लास हो गया। अब अगर हम यहाँ पे क्लास और रोल नंबर को एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो हमको टैब स्टॉप पोजीशन नहीं लगाना है। यहाँ पे हम डॉट डॉट करेंगे अपने हिसाब से, यहाँ पे हमारा क्लास हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इसके बाद लिखना है रोल नंबर। रोल नंबर को लिखने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे टैब की को प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से इंटर कर देंगे। इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर से टैब स्टॉप पोजीशन को टैब की को प्रेस करेंगे। टैब की के प्रेस करने के बाद फिर से इंटर करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम कॉन्टैक्ट नंबर और फादर नेम के ऑप्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा जो जगह है वो कम पड़ जाएगा। इसके लिए हम कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद
यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे हमको लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर सेलेक्ट कर देना होगा। ये हमारा जो भी स्पेस था एक्स्ट्रा वो हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम अपना जो लाइन था उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद फिर से टैब की को प्रेस करेंगे, दोबारा से इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो है फादर नेम। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब आपको इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आने के बाद सेव आउटलाइन पे ऊपर जाएंगे, उसके बाद नो आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये हमारा आउटलाइन गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको चाहें तो इसको हम बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इतना करने के बाद अब हमको अपने स्टिकर के शेप को यहाँ पे ड्रा करना है। स्टिकर को शेप को ड्रा करने के लिए फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को लेंगे। रेक्टेंगल टूल को लेने के बाद यहाँ पे हम उस शेप को ड्रा कर लेंगे जिसमें हमारा जो कार्टून का पिक्चर आएगा यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कराएंगे। अब यहाँ पे इसके पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए हमको सिंपली शेप फिल के ऑप्शन पे जाना है। सेव फिल के ऑप्शन पे यहाँ पे जो थर्ड नंबर का ऑप्शन आता है पिक्चर पे, उस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर जहाँ कहीं भी हमारा वो चित्र रहेगा उस चित्र को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे तो हमारा जो इमेज रहेगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब इसका भी आउटलाइन गायब करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपली इस पर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद सेव आउटलाइन पे जाएंगे, उसके बाद नो आउटलाइन कर देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा पहला स्टिकर बनके रेडी हो गया है। अब इसी तरह से दोस्तों हम इसको सबको ग्रुप में कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप में करने के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे, सभी शेप को कंट्रोल के साथ प्रेस कर लेंगे। जितने भी हमारे शेप थे उन सभी को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे हम इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम कंट्रोल प्रेस करते हुए इस इमेज के ऊपर जाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा इसका डुप्लीकेट बनके रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने हमारा तुरंत ही 4 स्टिकर बनके रेडी हो गया है। अब दोस्तों आपको करना बस इतना रहेगा, इस इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इमेज के ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव फिल के ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे उस इमेज को चेंज कर लेना होगा जिस इमेज के स्थान पे आप इसको चेंज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इस पर मोटू पतलू का इमेज लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारा छोटा भीम के स्टिकर की जगह मोटू पतलू का स्टिकर बन जाएगा। अब उसी तरह से हम इसको दूसरा इमेज जो है उसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इस छोटे भीम की जगह पे पतलू का जो स्टिकर इसको बना देंगे, ये हमारा पतलू का स्टिकर बन जाएगा। अब हमको यहाँ पे स्पाइडरमैन का स्टिकर लाना है, सेव फिल में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद हम यहाँ पे स्पाइडरमैन के इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा अलग अलग तरह का जो स्टिकर है वो बनके रेडी हो चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो जरा से भी अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।